अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए आए हैं कुछ एक और नया चैप्टर लेके, क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स, और चैप्टर का नाम है हमारा आगम रेवेन्यू, चैप्टर नंबर है हमारा 9। और इसी के साथ हम आज के क्वेश्चन और आंसर प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तो आज के क्वेश्चन और आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आगम किसे कहते हैं? आंसर, किसी भी उत्पादक द्वारा एक समय अवधि में जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है, उस उत्पादन को या तैयार माल को बेचने से जो आय प्राप्त होती है, वह आय आगम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है? आंसर, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और तीसरा एकाधिकार बाजार, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 3 प्रकार होते हैं। पहला द्वैधिकार, दूसरा अल्पाधिकार, और तीसरा एकाधिकारात्मक बाजार। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आगम में क्या क्या शामिल होते हैं? आंसर, आगम में लागत के अतिरिक्त उसके लाभ भी शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुल आगम किसे कहते हैं और सूत्र भी दीजिए। आंसर, आगम से तात्पर्य उत्पादक को होने वाली उस आय से होती है जो वह अपने तैयार माल को बेचने से प्राप्त करता है, अर्थात कुल आगम फर्म द्वारा बिक्री की गई मात्रा को उसके द्वारा वसूली की गई कीमत से या वसूली गई कीमत से गुणा करके प्राप्त की जाती है। सूत्र इस प्रकार से है कुल आगम का, कुल आगम को TR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात कुल आगम TR बराबर बिक्री की मात्रा इंटू कीमत, अर्थात TR बराबर P इंटू Q। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, औसत आगम किसे कहते हैं व सूत्र दीजिए। आंसर कुछ इस प्रकार से है, किसी फर्म का औसत आगम फर्म द्वारा प्राप्त किए गए कुल आगम में बिक्री की गई मात्रा का भाग देने से प्राप्त होता है। औसत आगम को AR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सूत्र है औसत आगम बराबर कुल आगम बटा कुल बिक्री मात्रा, अर्थात AR बराबर TR बटा Q। हमारा अगला क्वेश्चन है सीमांत आगम किसे कहते हैं व सूत्र दीजिए। आंसर, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से जो अतिरिक्त आगम की प्राप्ति होती है, वही अतिरिक्त आगम सीमांत आगम कहलाता है। सीमांत आगम को MR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीमांत आगम का सूत्र इस प्रकार से है, सीमांत आगम बराबर कुल आगम में परिवर्तन बटा बिक्री मात्रा में परिवर्तन। सूत्र है MR बराबर Δ TR अपॉन Δ Q। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं दीजिए। आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं। दूसरी विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है और फर्में उसे स्वीकार करती हैं। और तीसरी विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र एक सीधी पड़ी हुई रेखा होता है, जिसे हम OX अक्ष के समानांतर भी कहते हैं, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कौन करता है? हमारा आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण बाजार करता है और फर्में उसे सिर्फ स्वीकार करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण प्रतियोगिता का कुल आगम वक्र कैसा होता है? आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता का आगम वक्र कैसा होता है? आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता का TR आगम वक्र जो होता है, वह एक सीधी पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है, और इसका औसत और सीमांत आगम वक्र
ओ एक्स अक्ष के समानांतर एक पूर्णतया लोचदार रेखा के रूप में या ओ एक्स अक्ष के समानांतर रेखा के रूप में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विक्रय बढ़ेगा तो कुल आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर कुछ इस प्रकार से है, यदि विक्रय बढ़ेगा तो कुल आगम भी बढ़ेगा। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन से प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है। आंसर है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र किसका होता है या कौन सी प्रतियोगिता का होता है। आंसर है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मांग वक्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र कैसा होता है। आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता का मांग वक्र AR वक्र होता है जो OX अक्ष के समानांतर पूर्णतया लोचदार रेखा के रूप में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार किसे कहते हैं। आंसर, एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का केवल एक अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है, ऐसा बाजार एकाधिकार बाजार कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में कुल आगम वक्र कैसा होता है। आंसर है, एकाधिकार बाजार में कुल आगम वक्र पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता हुआ होता है और फिर अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद घटता हुआ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में सीमांत आगम और औसत आगम कैसे होते हैं। आंसर, एकाधिकार बाजार में सीमांत आगम और औसत आगम दोनों ही घटते हुए होते हैं, लेकिन AR वक्र की अपेक्षा MR वक्र अधिक तेजी से घटता हुआ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों ही वक्र कम लोचदार व गिरते हुए होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र कौन सा होता है। आंसर है, एकाधिकार बाजार में औसत आगम वक्र AR ही फर्म का मांग वक्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। आंसर है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जो व्यावहारिक होता है और जिसमें क्रेता व विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से थोड़ी कम होती है और यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार व एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का मिश्रण होता है और यह व्यावहारिक एवं वास्तविक स्थिति के बहुत निकट होता है और इसके अंतर्गत वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं, निकट स्थानापन्न होती हैं। ऐसा बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के कितने प्रकार हैं। आंसर है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 3 प्रकार हैं। पहला द्वयाधिकार, दूसरा अल्पाधिकार और तीसरा एकाधिकारात्मक बाजार। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी बाजार स्थिति है जो वास्तविक रूप में या व्यवहारिक रूप में पाई जाती है। आंसर है, ऐसी स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति होती है जो वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बाजार है जो काल्पनिक बाजार के रूप में जाना जाता है। आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार काल्पनिक बाजार के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु विभेद किसे कहते हैं। आंसर, यदि वस्तुओं में रंग, पैकिंग, आकार, प्रकार व ब्रांड गुणवत्ता और विक्रय शैली के आधार पर परिवर्तन पाया जाता है तो इसे हम वस्तु विभेद कहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत को यदि बेची गई मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। आंसर है, यदि वस्तु की कीमत को बेची गई मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो हमें कुल आगम की प्राप्ति होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन सा वक्र कीमत रेखा को व्यक्त करता है? हमारा आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR वक्र जो होता है वह कीमत को या कीमत रेखा को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार AR और MR वक्र में कैसा संबंध होता है? हमारा आंसर है एकाधिकार बाजार में AR और MR वक्र के बीच संबंध इस प्रकार से होता है। एकाधिकार बाजार में AR MR की अपेक्षा अधिकतम होता है, अर्थात AR ग्रेटर देन MR होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा वक्र होता है? आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत को प्रदर्शित करने वाला वक्र AR बराबर MR वक्र होता है, जो पूर्णतया लोचदार वो OX अक्ष के समानांतर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पाधिकार किसे कहते हैं? आंसर है अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत ही अल्प या बहुत ही कम होती है और जिसमें विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली बहुत ही कम फर्म में होती हैं और यह अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक रूप होता है। ऐसा बाजार अल्पाधिकार बाजार कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किंक किसमें पड़ा जाता है? हमारा आंसर है किंक अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत पड़ा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पाधिकार बाजार का मांग वक्र कैसा होता है? आंसर है अल्पाधिकार बाजार का मांग वक्र विकुंचित मांग वक्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पाधिकार बाजार में विकुंचित मांग वक्र बाजार में कौन सी कीमत को प्रदर्शित करता है? आंसर है अल्पाधिकार बाजार में विकुंचित मांग वक्र बाजार में कीमत दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एकाधिकारात्मक बाजार के अंतर्गत AR व MR वक्र कैसे होते हैं? हमारा आंसर है एकाधिकारात्मक बाजार के अंतर्गत AR व MR दोनों ही गिरते हुए होते हैं, लेकिन AR वक्र MR वक्र से हमेशा ऊपर रहेगा, अर्थात AR व MR दोनों ही गिरते हुए होंगे लेकिन AR की अपेक्षा MR तेजी से गिरेगा, अर्थात औसत आगम व सीमांत आगम का ढाल अधिक लोचदार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्पा एकाधिकारात्मक बाजार के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र किस पर प्रदर्शित होता है? हमारा आंसर है एकाधिकारात्मक बाजार में फर्म का औसत आगम वक्र ही फर्म का मांग वक्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एकाधिकारात्मक बाजार में जहां TR अधिकतम होता है वहां MR कैसा होता है? हमारा आंसर है जहां पर TR अधिकतम होता है वहां पर MR शून्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र की अपेक्षा कैसा होता है? आंसर है एकाधिकारात्मक बाजार के अंतर्गत औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र की अपेक्षा अधिक लोचदार होता है और इसका मांग वक्र का ढाल थोड़ा सा चपटा होता है। अगला शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में कौन सा लाभ होता है? आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार में दीर्घकाल में क्या प्राप्त होता है? तो एकाधिकार बाजार में दीर्घकाल में अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है या असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में कौन कौन सी स्थिति देखने को मिलती है?
हमारा आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में हानि लाभ और सामान्य लाभ तीनों ही स्थिति देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तीन विशेषताएं दीजिए। हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर क्रेता व विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से थोड़ी सी कम होती है। दूसरा वस्तुएं निकट स्थानापन होती हैं। तीसरा यह व्यावहारिक एवं वास्तविक स्थिति के बहुत निकट होता है। चौथा विज्ञापन किया जा सकता है। पांचवा इसके तीन अन्य और प्रकार होते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अल्पाधिकार व द्वैधिकार। इसके अलावा इसमें वस्तु विभेद भी पाया जा सकता है तो ऐसा बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाएगा। ये थे हमारे आज के कुछ और क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाए थे चैप्टर 9 आगम से। कल हम फिर चलेंगे और नए एक और चैप्टर के साथ और उनके कुछ और नए क्वेश्चन और आंसर के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, कल तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।